हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बालाजी आईटीआई एलिवेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने दो वीडियोज अपने चैनल पर बनाकर डाली है। एक वीडियो थी वायरिंग की ट्री प्रणाली, वायरिंग की ट्री प्रणाली। दूसरी वीडियो थी वायरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। वायरिंग का जो हमारा यूनिट है, वायरिंग का चैप्टर है, वो कोई छोटा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा, मतलब एक मंथ का चैप्टर है। वो हमारा धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। मैं धीरे धीरे अपनी जो हमारी आईटीआई की क्लास है, मैं हर दिन उस चैप्टर को कराता हूँ। लेकिन मैं आज अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक लेक्चर देने जा रहा हूँ। जो हमारा लेक्चर होगा वैद्युतिक सहायक सामग्रियां, वैद्युतिक सहायक सामग्रियां, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। वैद्युतिक सहायक सामग्रियां क्या होती हैं? जो हमारी विद्युत है, तो विद्युत हमारे उत्पादक केंद्र में बनाई जाती है। जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, उत्पादन केंद्र होते हैं, बिजली घर होते हैं, वहाँ बिजली बनाई जाती है। वहां से ग्रिड स्टेशनों, पावर स्टेशनों के द्वारा ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करके हमारे घरों तक लाई जाती है। हमारे घरों में वैद्युतिक उपकरण लगे हुए होते हैं, जिनको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो हम वैद्युतिक सहायक सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युतिक सहायक सामग्रियों के अंतर्गत वो सभी चीजें आती है जो एक विद्युत को उत्पादन केंद्र से और उपयोग करने तक जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब वैद्युतिक सहायक सामग्रियों के अंतर्गत आती है। तो मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूं वैद्युतिक सहायक सामग्रियां क्या होती है। नंबर एक वैद्युतिक सहायक सामग्री, नंबर एक चालक युक्ति, चालक युक्ति। चालक युक्ति चालक युक्ति में हम जितना भी कंडक्टर, जितना भी चालक यूज करते हैं, चालक युक्ति के अंतर्गत हमारी केबिन है, तार है, जितने भी प्रकार की केबिन होती है, जितने भी तरह का तार होता है, तो वो सब चालक युक्ति में आता है। तो चालक युक्ति के अंतर्गत हमारी केबिन है, तार है, जितने भी प्रकार के केबिन तार होते हैं, वो सभी प्रकार के केबिन और तार चालक युक्ति में आते हैं। क्योंकि चालक युक्ति के द्वारा ही उत्पादन केंद्र से विद्युत उपभोक्ता युक्ति तक जो हमारा लोड लगा हुआ है, वैद्युतिक उपकरण है जो बिजली से चल रहा है, कोई भी वैद्युतिक उपकरण है जो हमारा बिजली से चल रहा है, उस उपकरण तक बिजली केबल और तार के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले चालक युक्ति, चालक युक्ति में केबल तार, जितने भी तरह के केबल तार होते हैं, चाहे 11,000 केबल हो, चाहे 33,000 केबल हो, चाहे 1,32 की केबल हो, चाहे 400 केबी की हो, 750 केबी की हो, चाहे 250 वोल्ट की हो, हर तरह की केबल और तार चालक युक्ति में आते हैं। नंबर एक चालक युक्ति। चालक युक्ति में केबल और तार, केबल और तार में अंतर होता है। असल लोग केबल को ही तार कहते हैं, लेकिन केबल में इंसुलेशन कवर चढ़ा हुआ होता है और तार होता है वो नंग होता है। तार का उदाहरण जैसे जो खंभे के ऊपर से और टावरों के ऊपर से जो हाई टेंशन लाइन जाती है, टावर खंभों के ऊपर से जो स्लो वाली लाइन जाती है हमारी, उसमें तार ही होता है।
वेयर कनेक्टर जो हमारा एल्यूमिनियम का होता है और तार होता है, केबल कोई भी केबल हो पे अगर विद्युत रोधी कवर चढ़ा हुआ है तो वो केबल है, तो हमारे चालित युक्ति में तार केबल हो गया। नंबर दो, नंबर दो हमारे होते हैं सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा युक्ति सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जो एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा करते हैं, या विद्युत कोई भी विद्युत उपकरण है, विद्युत चलने वाला उपकरण है तो उसकी सुरक्षा करते हैं, पूरे विद्युत परिपथ को, पूरे चालू विद्युत परिपथ की विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे जो हमारी सुरक्षा युक्तियां होती है वो पूरे चालू विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चालक चालक युक्ति के बाद में सुरक्षा सुरक्षा युक्ति में हमारे फ्यूज आते हैं और रिले आते हैं, जितने भी तरह के फ्यूज होते हैं, जितने भी तरह की हमारी रिले होती हैं वो सब हमारी सुरक्षा युक्ति में आती है। जैसे हमारी सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा युक्ति हमारी फ्यूज है, फ्यूज रिले, फ्यूज और रिले ये हमारे सुरक्षा युक्तियां हैं। उसके बाद में हमारे यहां से है तीसरे, तीसरे वाले आते हैं नियंत्रक युक्ति, नियंत्रक युक्ति, नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति में हमारे आते हैं जितने भी तरह के स्विच होते हैं और जितने भी तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं वो सब हमारे नियंत्रक युक्ति में आते हैं। सभी प्रकार के स्विच और सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर हमारे नियंत्रक युक्ति में आते हैं। स्विच और सर्किट ब्रेकर हमारे नियंत्रक युक्ति है। उसके अलावा चौथे हमारे होते हैं सप्लाई स्रोत, सप्लाई स्रोत, सप्लाई स्रोत के अंतर्गत हमारे वो स्रोत होते हैं सप्लाई स्रोत जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहां से बिजली उत्पन्न की जा रही है वो हमारे सप्लाई की स्रोत है, जहां से सप्लाई मिल रही है वो हमारे सप्लाई की स्रोत है। जैसे हमारे जनित बैटरी ये सब हमारे क्या है, सप्लाई की स्रोत है। जनरेटर चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो वो सब सप्लाई की स्रोत है, और हमारी बैटरी है सेल है ये सब हमारे सप्लाई की स्रोत है। और एक तरीके से सॉकेट भी हमारा सप्लाई का स्रोत है, लेकिन सॉकेट ये होता है सॉकेट में भी सप्लाई पहले की सप्लाई स्रोत से सप्लाई आती है सॉकेट, और कोई भी अस्थाई वैद्युतिक उपकरण चलाने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करना हुआ, प्रेस लगानी हुई, तो अस्थाई वैद्युतिक उपकरण है, लेकिन सॉकेट कोई सप्लाई उत्पन्न नहीं कर रहा, सॉकेट में भी सप्लाई सप्लाई स्रोत से आती है, ठीक है। तो सप्लाई स्रोत हमारे जनित और बैटरी बैटरी से सॉकेट जनित से बैटरी सॉकेट ये हमारे सप्लाई स्रोत है। उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारा आता है सबसे लास्ट में उपभोक्ता युक्ति,
उपभोक्ता युक्ति, उपभोक्ता युक्ति वे वस्तुएं होती है जो बिजली के द्वारा चलाई जाती है। वे सभी उपकरण जो वैद्युतिक ऊर्जा का उपयोग करके चलते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तब वो कार्य करते हैं। जैसे हमारा पंखा हुआ, वो विद्युत ऊर्जा को या ऊर्जा बनता बल्ब है, वैद्युतिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा बदलता है। तो उपभोक्ता युक्ति के अंतर्गत वो सभी वैद्युतिक उपकरण आते हैं जो बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं, और इन्हें लोड भी कहते हैं। लोड जैसे उपभोक्ता युक्ति में पंखा, वाल्व, पंखा वाल्व, हीटर सभी सभी वैद्युतिक उपकरण, सभी वायु सभी वैद्युतिक उपकरण उपभोक्ता युक्ति में आते हैं। तो हमने वैद्युतिक सहायक सामग्रियों, जो वैद्युतिक सहायक सामग्रियां होती हैं अभी इनके बारे में बताया है। जैसे हमारे चार युक्ति हैं, तो केबिल का और सुरक्षा युक्ति फ्यूल रिले और नियंत्रण युक्ति स्विच सॉकेट, स्विच सर्किट ब्रेकर, सप्लाई स्रोत, जनित्र बैटरी, सेल सॉकेट, उपभोक्ता युक्ति, पंखा, वाल्व, हीटर सभी वैद्युतिक उपकरण, तो ये हमारी वैद्युतिक सहायक सामग्रियां होती हैं। और मैं अपने टॉपिक को यही पर समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखें। थैंक यू।